कम से कम इधर संडे 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 आरती होता है कि हाँ जरूर आएंगे। और मंगल आरती करने के लिए कैसे करना चाहिए वो आपको वीडियोस भी भेजा है, तो आप लोग सीखा है, कितना लोग सीखे हैं मंगल आरती कैसे करना, कितना देर घुमाना, कैसे दिखाना चाहिए, कैसे आचमन करना चाहिए, वो आपको लिंक्स मिला है कि नहीं? जिसको मिला है, जिसको देखा है, एक बार बात और खड़ा कीजिए थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के समय निकाल के देख के सेलेक्ट करके भेजता हूँ ना, तो मेरा समय बहुत ज्यादा है, मेरा समय को कितना लोग वैल्यू दे रहे मैं देख रहा हूँ। सॉरी, बहुत बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई कीजिए, जो भेज रहे हैं ना वो आप लोगों का सिखाने करना चाहिए, जब ये सीखते हैं आप लोग के लिए फायदा है, एक बार जीवन में एक ही बार सीखता है वो जीवन भर ऐसे गा सकते हैं, और उसके बाद कोई अलग अलग उससे समय निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई कीर्तन करने के लिए बुलाता है तो शर्माना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, वो क्या हो जाता है दूसरों को एक्सप्रेशन नहीं मिलता, अरे ये लोग इतना साल से आ रहे इनको नहीं आता, हम जाए क्या सीखने वाले हो ना, सही बात है ना? तो हम बहुत ध्यान देना चाहिए हर चीज के। और उसके बाद मंगल आरती बहुत ट्राई कीजिए, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए प्रॉपर बहुत ध्यान देते हैं, और हर बुधवार यहाँ एक सदाचार का क्लास होता है, तो अभी ये होने वाला है इसका सदाचार क्लास में, आपको IDC कोर्स जो स्कैंड डिसेबल कोर्स है ना, वो कोर्स को आपको लिंक भेजेंगे, वीडियोस, वो वीडियोस हर एक हफ्ता में एक एक वीडियो नहीं तो दो वीडियो भेजेंगे, उसमें सुन के आना चाहिए, उसमें आप जो सुना है लिख के आने से हम लोग इधर 15-20 मिनट जो आप सुन के आए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तभी हम लोग इसका डिसेबल कोर्स इसीलिए है, ये कोर्स में क्या सीखते हैं हम लोग, दीक्षा का मीनिंग क्या है, क्यों दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा देने वाला कितना लोग है, और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का क्या व्यत्यास है, और मंदिर में बहुत सारे लोग रहते हैं उनका क्या मीनिंग है, GVC क्या होता है, प्रभुपाद का उन्नत स्थान क्यों दिया है इसका में, और हर चीज के बारे में इस डिसेबल कोर्स में सिखाया जाएगा। ये आश्रय के लिए इतना जानकारी लेके दीक्षा आश्रय भी लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए हर बुधवार आपको IDC कोर्स के बारे में वीडियोस मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा, बुधवार का दिन में चर्चा होगा, ओके? तो हर बुधवार ये भी होने वाला है, तो हर हफ्ता में क्या है कुछ ना कुछ एक कीर्तन सीख के आना है, और जैसे अगला हफ्ता बुधवार जो 2 दिन में आने वाला है, तो उस दिन में सभी लोग नरसिंह कीर्तन गाना है अलग अलग इंडिविजुअली, तो सबको नरसिंह कीर्तन आना चाहिए। मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, क्षमा कीजिए, क्योंकि ये बहुत साल से जुड़े हैं आप लोग, तो सिखाना मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए हम क्षमा मानता हूँ आप लोग से, आप गलत मत सोचना चाहिए इसके लिए, ठीक है? तो और उसके बाद जो सर मैंने आपको आचरण करना कैसे ना करना वो भी सीखा, वीडियोस भेजा हूँ, और बुक्स भी प्रॉपर का बुक्स कैसे सीरीज के रूप में कैसे पढ़ना चाहिए वो भी आपको लिंक्स भेजे हैं, और जो भी एक तरीका का रूप में कैसे सुनना चाहिए सीरीज में वो भी आपको भेजा है, वो भी आप सुन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पहला किससे सुनना चाहिए, कौन सी तरफ से सुनना चाहिए। और उसके बाद जो इस बुधवार को आप लोग जिस महाराज से आश्रय लेने वाला है इस सेंटर की तरफ से, आप जो इस बोलने जयप्रदा स्वामी महाराज के बारे में जानकारी लेके आना चाहिए, ताकि उनके बारे से उनसे आश्रय ले रहे हैं तो उनका गुरु के बारे में सुनना चाहिए, तभी हम लोग उनके बारे में इंस्पिरेशन मिलेगा। तो पहला आप उनके बारे में सुन के आइए, किसके बारे में? हाँ, इस बोलने जयप्रदा स्वामी महाराज से, उनका उनका बारे में, उनका जीवन चरित्र क्या है, उन्होंने भक्ति में कैसा है, उन्होंने भक्ति में जीवन में क्या क्या किया है, उनका अचीवमेंट्स क्या है, प्रभुपाद को उन्होंने कैसे सेवा किया है, वो सुन के आइए, इस बुधवार को चर्चा करें। आपको इतना सारे बोल रहे हो जी, मैं उस दिन ऑब्सेंट कर गया तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचेगा तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका एक बहुत नष्ट है, ठीक है? और उसके बाद डिस्कशन होगा, ऐसा कीर्तन होगा, और एक टॉपिक के ऊपर सदाचार में 10 मिनट के बाद डिस्कस में ऐसे बता दूंगा। और उसके बाद आप लोग हर हफ्ता में साधना कार्ड मेंटेन कीजिए, ये साधना कार्ड आपको खुद एक प्रतिबिंब है, आप कैसे भक्ति में जीवन में आगे बढ़ रहे हैं आपको आप देख के पता चलेगा कि ये मेरा चेहरा में क्या चेहरा, अभी चेहरा में कुछ स्किन इन्फेक्शन है तो उसके लिए खुद आप खुद को नहीं दिखाई देता, क्या करना पड़ता है, मिरर में देखना पड़ता है ना, मिरर में देखने के बाद क्या होता है, अगर हेयर का प्रॉब्लम है तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपका साधना का जीवन में, अगर भक्ति में जीवन में आप आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे वो कभी खुद कोई पता नहीं चलता है, तो दूसरे लोग देखता है वो लोग बोल नहीं पाते क्योंकि आप क्या सोचेंगे, तो अपने आप को पता होने के लिए क्या करना चाहिए, साधना कार्ड मेंटेन करना चाहिए, मैं मंगल आरती कितना बजे कर रहा हूँ, सुबह कितना बजे उठ रहा हूँ, जब कितना बजे खत्म कर रहा हूँ, किताब कितना घंटा पढ़ रहा हूँ हफ्ता में, वो खुद को पता चलेगा,
ये बहुत जरूरी भक्ति में जीवन आगे बढ़ने के लिए, तो आप ये बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि ये प्रभुपाद ने बताया है ये सारी चीज मेंटेन करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद अलग अलग भक्तों को अलग अलग लेटर्स का थ्रू से समझा है उनका भक्ति में जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग किस स्तर में है उस स्तर के हिसाब से हम लोग वो फॉलो करना जरूरी है। और उसके बाद जो इस भक्ति को सेंटर में क्या है ना, तो हर आदमी मान के हफ्ता में 4 प्रोग्राम होने वाला है, सुन रहे हैं हरे कृष्ण। सो मंडे का दिन में मेरा शेड्यूल के हिसाब से ऐसा हो रहा है, मंडे एक हाउस प्रोग्राम करूंगा, मानी कि अभी से ऐसा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार जो कर रहे हैं ना उसके बारे में आपको जानकारी रहेगा तो आप भी इंस्पिरेशन से मैं भी कुछ कर सकता हूँ बोल के आपका अगर इंस्पिरेशन आए, इसलिए बोल रहे हैं। अभी मंडे है, हर मंडे तीन एरिया में हाउस प्रोग्राम होने वाला है। अरे वो तो आप एक्टिवली सुन के इंस्पिरेशन के अरे बोल बोलेंगे, मेरा तो भी उत्साह बढ़ेगा ताकि कुछ करने के लिए कुछ बोलेंगे। आपको भक्ति कुटीर बनने वाला है तो प्लान करके वो सेट करते हैं, ठीक है। तो आप ट्यूजडे का दिन में हम लोग टेम्पल में संध्या आरती करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डे टाइम में तो हर दिन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एक दिन छोड़ के आप लोग एक दिन जाते हैं, कुछ कदम खराब हो जाएगा तो। तो उसके बाद बैठना से तो इधर आके हम लोग क्या सीखते हैं, कुछ सदाचार के बारे में, कुछ न्यू टॉपिक के बारे में सीखते हैं और कीर्तन के बारे में जानकारी लेते हैं। हर वैष्णव कीर्तन भी इधर सीखते हैं हम लोग जल्दी इधर बैठने से क्लास हो रहे, क्या सीख रहे इधर, हाँ ये अलग अलग वैष्णव कीर्तन सीख रहे हैं। अलग अलग वैष्णव कीर्तन में ना इतना इंपॉर्टेंस है, गोपकिशोर दास बाबा जी को एक महाराज बताता है, बोल रहे कि हमारे सारा शास्त्र का जो सारांश है सिर्फ इस वैष्णव कीर्तन में मिला है। मान के बोल रहे कि आधा रुपया मान के पैसा मिलता था यूज करता था वो, मान के उस समय आना बोलता था और भी उसमें कम वाले, तो वो चीज उतना भी मिल जाता है सारा शास्त्र का सारांश, भक्ति आना में मिल जाया बोल रहा था। उसका मीनिंग ये है प्रिंटिंग कास्ट का जो वैष्णव कीर्तन किताब उतना ही कास्ट है वो पढ़ के भक्ति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हर अलग अलग जो वैष्णव कीर्तन में ना इतना सारांश है, सिर्फ वैष्णव कीर्तन पढ़ के शुद्ध भक्त बन सकते हैं, वो मीनिंग को आप जीवन में अपनाएगा। तो इसलिए वो कीर्तन सीखना बहुत जरूरी है। तो वो कीर्तन क्या है, वेडनेसडे हम इधर सीखने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो तस्वीर ये होने वाला है इधर श्लोका रिसिटेशन, जो इसके हमारा असमय प्रभु जी आके इधर श्लोका रिसिटेशन कर रहे हैं, सबको श्लोका सिखा रहे हैं, मंगलाचरण सीख रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं, हाँ मंगलाचरण। तो उसके बाद हम लोग कर्ता मुदन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कर्ता मुदन नहीं आता है तो घर में भी हम लोग उतना अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते। अगर आप अकेले भी भक्ति करना है तो ना सारे चीज़ आना जरूरी है। अरे हम नगर से कितना ज्यादा है हम दोनों लोग कितना देर बजाएंगे, हाँ। और उसके बाद ये भी होता है कि कभी कभी माइक रहता है तो बजाने के लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो क्या है, आप लोग सीखेगा तो आप भी खुद को भी एक एक्टिविटी में भगवान का सेवा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आप भी भगवान का सेवा में जुड़ सकते हैं, सही है ना। तो क्योंकि घर में भी भक्ति करना है, परिवार में प्रभुपाद बताता है कि कम से कम हर भक्त को 5 चीज आना जरूरी है भक्ति में, बताता है कि जो क्लास देने का और उसके बाद पूजा करने का और उसके बाद ड्राइविंग कुकिंग और एक चीज है प्रचार करने के लिए बोलता है, मानी कि ये क्या है 5 चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 5 चीज रहेगी तो हम कहीं भी जाके इसका खोल सकते हैं, ड्राइविंग कुकिंग प्रचार करना पूजा करना और उसके बाद क्लास देना भी, तो ये जरूरी है। तो इसलिए आप सब भक्त को आना चाहिए 5 चीज, ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। और उसके बाद फ्राइडे ये सीखते हैं हम लोग ग्रुप बुकिंग, फ्राइडे हाँ ग्रुप बुकिंग इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अकेला कुछ किताब पढ़ता है तो सो जाता है कि नहीं, नींद आता है, कितना लोग नींद नहीं आता है, तो सबको आता है, तो मेरे को भी आता है ना। तो अकेला पढ़ता है तो क्या है ना, ये तत्व है ना इतना स्ट्रांग है, हम लोग अंदर घुसता ही नहीं, क्योंकि हम लोग अंदर जो भी है अंदर घुसा वाला जो है उसको निकालने के लिए पढ़ना जरूरी है, उसके लिए क्या है ना अकेला पढ़ेगा तो वो अंदर घुसता ही नहीं। जब हम लोग इकट्ठा होकर पढ़ता है ना वो आसान से अंदर जाता है, अलग अलग पॉइंट पता चलता है। देखिए हम लोग इधर 3 हफ्ता से बुक रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ 3 पेज ही खत्म किया है, कितना पेज, हाँ एक एक हम लोग हर हफ्ते में 2-2 पेरा ही खत्म कर रहे हैं, 2-2 पेरा में इतना इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
ऐसा रहेगा कि लास्ट हफ्ते में क्या क्या सुना है वो भी आपको याद रहेगा। तो इस हफ्ते में हम लोग ये सुन रहा था कि भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान के बारे में जानकारी लेने के लिए सिर्फ भक्त बनना जरूरी है, भक्त ही भगवान को जानकार कर सकता है, सुना है ना धर्मराज को। तो मेन निष्कर्ष यही था उस समय, तो हमारा स्वरूप सिद्धि भी भूल चुका है, उसके लिए भक्ति से ही हमारा स्वरूप सिद्धि मिलेगा। तो एक पॉइंट में आज पढ़ के नहीं आया, तो फ्राइडे का दिन में जो डिस्कस किया उसी पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आप हर दिन पढ़ के दूसरा दिन बोलने के लिए ट्राई करते हैं वो पॉइंट याद नहीं रहता है, जब आप सब मिल के पढ़ते हैं ना तो उस समय में आसानी से याद रहता है कि उनसे ये पॉइंट सुना था। और अलग अलग भक्तों को अलग अलग एंगल में देखता है बुक्स पढ़ते समय, तो उनका विचार से क्या सुना वो भी समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपने एक पेपर में एक मोड़ एक तरफ से देखा है लेकिन दूसरी तरफ से और कुछ एंगल पिक्चर है आप उसको समझ नहीं पाए। अगर ग्रुप बुक रीडिंग में प्रभुपाद का एक एक पर्पट में अलग अलग एंगल्स में देख के स्क्रूटी में इजिली पढ़ना चाहिए बोल के प्रभुपाद बताते हैं। स्क्रूटी में इजिली मतलब ये है कि उसको अलग अलग तरीका से उसको समझना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है ग्रुप बुक रीडिंग में ये चीज़ हो रही है, आप लोग उसको फायदा बताएं। हर फ्राइडे आपको सबको मैसेज मिल रहा है, आप लोग फायदा बताने का जरूर आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर दिन आना चाहिए, लेकिन मुश्किल है, परिवार के जीवन में चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब जब समय मिलता है कम से कम इस चार प्रोग्राम में दो प्रोग्राम अटेंड करने का कम से कम प्रयास कीजिए। लेकिन जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। एक दिन मैं कथा सीखने के लिए आता हूँ, एक दिन बुक रीडिंग में आता हूँ, अगला हफ्ता मैं नहीं आऊँगा तो क्या हो जाएगा उसका? आप दूसरे दिन आपको अगला हफ्ता में जब जिस क्लास में आया था उस क्लास में आप आने से भी उसका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, आप अगला हफ्ता से बंद कर देंगे, तो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ है, तो हम लोग मैंने तो हर दिन अभी दो बार चक्कर मारता हूँ बुक स्टॉल के लिए और इधर के लिए, तो क्या हो जाता है दो घंटा मेरा जर्नी में चला जाता है। और हम लोग तिरुपति से आए हैं, किसके लिए आए हैं? हाँ आप लोगों के लिए, जो भी मैं जानता हूँ तो आपको बता देगा, आपसे जो सीखा है आप वो भी सीखने के लिए आए हैं। तो इतना दूर से आए हैं और दो घंटा है, और ये उधर भी इधर से आने के लिए 12 किलोमीटर एक बार मानी जाना 24 किलोमीटर हो जाता है, तो इतना समय निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग आसपास में हैं कम से कम हफ्ता में दो दिन आप ट्राई करके आए, तो ये मेरे लिए कुछ नहीं है, प्रभुपाद को कुछ कर सकते हैं आप कुछ सीख के भक्त बनेगा तो सही है ना। तो हम सोचना चाहेंगे ये लोग इतना कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं, मेरा तरफ से क्या कर सकता हूँ। जब प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद प्रचार कर रहा था उस समय बताया था कि भगवान का मंदिर आते समय कुछ तो कुछ लाना चाहिए। जैसे ये पॉइंट बोला, एक आदमी बाहर जाके एक टिश्यू पेपर लेके आए, टिश्यू पेपर का बंडल, वो क्या है बाथरूम में यूज करने वाला टिश्यू पेपर है जो फार्मर्स, तो वो देने के बाद भक्त लोग गुस्सा हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद देख रहा कि देखो उनका अंदर कुछ तो कुछ देने का इंटरेस्ट है, हम लोग जब कुछ कर रहे हैं मतलब उनको भगवान को देने का इंटरेस्ट है इसलिए वो आया है। तो ऐसा भी हम लोग कुछ सीखने के लिए कुछ करने के लिए कराना चाहिए। वो आदमी कम से कम टिश्यू पेपर देने के लिए तो मंदिर पहुंचा, सही बात है ना। तब से प्रभुपाद शुद्ध भक्त को दर्शन हो गया, कुछ भक्तों का संग मिला, कथा सुना, प्रसाद मिला, सही है ना। तो बहुत फायदा है। तो ऐसा है कि जो आ रहे थे हम लोग उससे कुछ फायदा उठाने की जरूर कोशिश करना चाहिए। अरे इधर कुछ तो चल रहा है कि नहीं? हाँ ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो और उसके बाद इसमें बता रहा था कि और सैटरडे का दिन में हम नागर संकीर्तन कर रहे हैं, और संडे का दिन में क्या हो रहा है इधर आ रहे हैं हम लोग। संडे ऐसा तुलसी आरती होगा, और उसके बाद हर एक हफ्ता में एक दिन प्रभुपाद का क्लास, एक दिन किसी एक वरिष्ठ भक्त को रसमय प्रभु शासी प्रभु और किसी ना किसी भक्तों को बुला के एक एक क्लास होगा। मानी कि महीना में चार हफ्ता में एक एक दिन में एक दिन प्रभुपाद का क्लास, एक दिन गुरु महाराज का क्लास, एक दिन ऐसा वरिष्ठ भक्त भक्तों का क्लास, एक दिन मेरा क्लास रहेंगे। हरे कृष्ण सुन रहे हैं? तो ऐसा हम लोग करने वाला है। और हर एकादशी का दिन में इधर चैंटिंग होगा, ये देवता के लिए ग्रुप चैंटिंग। ग्रुप चैंटिंग में इतना फायदा है आप मानेंगे नहीं, चैंटिंग में आप अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। ग्रुप चैंटिंग में क्या है ना, चैंटिंग भी हम लोग करते करते सो जाता है, कुछ तो कुछ प्लान करते रहता है। जब ग्रुप चैंटिंग में बैठता है तो एक दूसरे को इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कोई ना कोई उनका दुख का वजह से वो बहुत भाव से जब करते रहते हैं, आपको लगे रहता है हम कैसे जब करना चाहिए। देखिए हमारा मंदिर में मैं बोल रहे हैं, एक नेवी से एक प्रभु जी आता है, देखा होगा लास्ट संडे भी कीर्तन में आया था, वो इतना ध्यान से जब करता है ना, वो दो घंटा बैठेगा तो उठता ही नहीं, वो आँख में नहीं खुलता है, उतना ध्यान से जब करता है। मैं हम लोग नहीं कर रहे, ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वालिटी में करने का हम लोग प्रयास करना चाहिए बोल रहा हूँ। तो उससे क्या इंस्पिरेशन मिलता है ग्रुप चैटिंग में आता है, और उसके बाद सो जाए तो कोई ना कोई हेल्प ले सकते, कोई हम उठाएगा आप उससे देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, एक दूसरे को रिलेशन बढ़ा सकते हैं, कुछ हमारे जीवन में समस्या है, मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, घर की समस्या है, कुछ किसी से सजेशन भी ले सकते हैं।
हम अकेला अगर घर में बैठे रहेंगे पागल हो जाएंगे, है कि नहीं? ये बहुत सीखने का जरूरी है चीज। हम लोग इसलिए भक्तों के संग में आगे एकादश के दिन में फायदा बताएंगे, एकादश के दिन में बहुत माला जप करना चाहिए। बताया था 64 आवर्स तो कोशिश करना चाहिए, कम से कम 25 बहुत जरूरी है एकादश के दिन में। जो 16 माला करने वाला 25 आवर्स एकादश के दिन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादश के दिन में एक माला करते हैं वो बहुत 100 माला करने का बराबर प्रोग्राम फायदा हो जाता है। और उसके बाद जो मंगल आरती है ना, धीरे धीरे हम लोग दो बैच बनाने का सोचा है, लेकिन एक बैच कोई ठीक से नहीं चल पा रहेगा। क्यों है तो वो अपना अपना बिजी रहता ही है, लेकिन मैं आप लोग से ये चाहता हूँ मंगल आरती प्रोग्राम में ऐसा ही फिक्स कीजिए, मैं इस दो दिन जरूर आता हूँ कितना भी मुश्किल हो। लेकिन उस समय तो कुछ जॉब नहीं रहता है मंगल आरती के समय, लेकिन दो दिन में भक्तों का प्रसन्नता के लिए और भगवान का प्रसन्नता के लिए आप दो दिन कष्ट से भी आता है ना, आपका जिसकी आप प्रसन्नता के लिए जो काम कर रहे हैं उनका अंदर गुण आपका अंदर आएगा। ये वर्ड क्या है ना, एक लास्ट वीक ऑल्टोकेट वैष्णव क्वालिटीज बोल के एक लेक्चर इधर हुआ था, उसमें मैंने एक प्रभु से सुन के आया था। जब प्रभुपाद जो उनको शिष्यों को दीक्षा देने के बाद बोलता है कि आप 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना, तो उन लोग को बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो लोग प्रभुपाद का प्रसन्नता के लिए कर रहा था ना, तो वो लोग शुद्ध भक्त बन गया है। देखिए आज के समय में प्रचार कर रहे हैं वो सब इंडिया नहीं है, फॉरनर्स है। क्यों है? वो लोग प्रभुपाद का प्रसन्नता के लिए वो लोग भक्ति में जुड़ के आगे बढ़ा है, तो इसलिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो आप भगवान का, भक्तों का, प्रभुपाद का प्रसन्नता के लिए आप कुछ भी करते हैं ना, उनका अंदर जो गुण है आपका अंदर आ जाता है। तो इसलिए आप क्या करना है, जो जरूर मंगल आरती का दिन में ना आप प्लान करना है कि मैं, मेरा कमिटमेंट है ना, कम से कम हफ्ता में मैं 2 दिन ऐसे 3 दिन आ सकता हूँ, जरूर पहुंचूंगा। ऐसा कम से कम 4-5 हर दिन में मिलेगा तो अच्छे से मंगल आरती प्रोग्राम का सक्सेस कर सकते हैं। जब आप ये मंगल आरती प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उन लोग भी हम लोग को भक्त बन सकते हैं। अभी हम लोग बाहर में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और उसके बाद बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किस सबको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे। एक भक्त को जुड़ा हुआ भक्त को हम लोग घर में मंगल आरती कर रहे हैं तो उनको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, वो लोग भक्त बन जाएगा। आप उनको इंस्पिरेशन ना जाता भी हम लोग एक भक्त जैसे अभी तक जो मृत्युंजय प्रभु है एक दिन भी आपसे लगभग 50 दिन हो गया है। हर दिन सुबह 5 बजे वो कहीं भी प्रोग्राम बोर्ड में वहां पहुंच जाता है, जहां वहां प्रोग्राम करते हैं। और हमारा अजीत प्रभु है और चंद्र प्रभु उसको मैनेज कर रहे हैं, और कोशिश करना चाहिए। हम लोग भी सब इसलिए जा रहे हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पा रहे। मैं आपको हर हफ्ता हर दिन आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हफ्ता में 2 दिन कमिटमेंट दीजिए जिस दिन आप आते हैं, ताकि वो मंगल आरती प्रोग्राम को आगे लेके जा सकते हैं। ओके, और उसके बाद ये बताना था आपको, जो इधर अभी इधर कुछ भक्ति कुटीर का जो हमारा पहला सेंटर है, तो भक्ति कुटीर में क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीज रहता है, अटेंडेंस मेंटेन करना और प्रसाद प्लान करना, क्लीनिंग करना, प्रोग्राम अरेंजमेंट करना, और सब भक्तों को इंफॉर्मेशन देके बुलाना, और नया भक्त आता है उनको केयरिंग करना, तिलक लगाना है, और बच्चों को केयरिंग करना, बच्चों को उनको क्लास देने वाला है। तो अलग अलग पूरा प्लान है, लेकिन करने के लिए कुछ कमिटमेंट में आपको सेवा पहुंचाने वाला हूं मैं। अरे एक भक्त को उनका, मैंने जो गुण देखा है उनका अंदर, वो गुण के हिसाब से मैं सेवा देने वाला हूँ। अगर आप लोग कृपया करके वो सेवा को अच्छा से रिस्पॉन्सिबली करेगा तो सबको बहुत बधाई है, ठीक है। और उसके बाद सारे आपको बच्चों के लिए ना एक नया प्लान किया हूँ, हफ्ता में एक दिन क्लास होगा, उनको स्लोगा सिखाएंगे, कुछ नैतिक वैल्यूज सिखाएंगे, उसके बाद उनको भागवतों को उसके बारे में कुछ स्टोरी सुनाएंगे, उनको ऐसा एक सांस्कृतिक जीवन में उनको लेकर आने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो उसको अभी जैसे बच्चों का एग्जाम होने वाला है, जैसे एग्जाम खत्म होता है तुरंत स्टार्ट करते हैं। हरि बोल, 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 हरि बोल। तो ऐसा आप लोग प्रयास कीजिए, और उसके बाद जो भी ऐसा आपको सेवा पहुंचाने वाला हूँ वो सेवा जैसे आपका एक बार रिपोर्ट कीजिए, अगर आपको कुछ समस्या है, सेवा बदलना है, कुछ भी है, तो सेवा का मन चेंज कर सकते हैं। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कि ये करना ही करना है, लेकिन कुछ तो कुछ आप कर सकते हैं, अब वो सेवा आप कीजिए। और उसके बाद तो सबको प्रचार करना जरूरी है, जैसे प्रभुपाद बोले कि जन्म सार्थक में परोपकार, दूसरों को परोपकार करने के लिए आप खुद भी जीवन में अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। और भक्ति में जीवन में सीरियस लेना बहुत जरूरी है। आप जैसे सिर्फ मैं इधर आता है, सिर्फ मेरे को कुछ देर के लिए समय टाइम पास हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है इधर,
मैं जस्ट बोल रहा हूँ ऐसा वो भक्तिमय जीवन और भौतिक जीवन दोनों एक साथ नहीं चलता है। आप सीरियसली भक्तिमय जीवन के लिए जो चीज़ सीखने के लिए आप बैठा है तो आप आगे बढ़िए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसके बाद ऐसा अलग अलग एरिया में सेंटर को प्रचार करने वाले हम लोग, जो आप लोग जो भी अगल बगल लोग जानते हैं उनको बुला के लेके आइए। और उसके बाद जो भी इस प्रचार के बारे में आप कुछ फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, आपके लिए ऑलवेज वेलकम है, ताकि हम लोग इधर उसी के लिए आए हैं आप लोग से फीडबैक लेके, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, इधर ये चीज़ कर सकते हैं उधर वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत चीज़ बाहर में देख रहे हैं तो उसको आप शेयर कर रहे हो तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे जो भक्ति में जीवन। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत समय दिया है, मैंने बहुत समय आपका ले लिया है, क्षमा कीजिए। अभी संध्या आरती होने वाला है, सो अभी पापा लोग प्रभु आरती करेगा, आनंद प्रभु कीर्तन करेगा। हरे कृष्ण, जो भी कुछ होता है तो आप संपर्क कीजिए, उनको प्रॉब्लम को सोल्यूशन देंगे। और उसके बाद सोल्यूशन मतलब है कि जो सेवा के बारे में। ओके, हरे कृष्ण, सब खड़ा हो जाएगी, अभी आरती होने वाले हैं। बहुत धन्यवाद, आपको कुछ दुखी का बात मैंने बात किया तो मेरा क्षमा कीजिए, क्योंकि ये बोलने का था मैंने बोल दिया। और आश्रय के लिए आप वो सब कुछ चीज सीख के आइए, हम धीरे धीरे सिखाते जाएंगे। हरे कृष्ण।